बस चिकन कढ़ाई अच्छा था, चिकन कढ़ाई अच्छा लगा। आज तो बुक है तो आज तो और नहीं हो पाएगा। हमें जाना है सबसे टॉप फ्लोर में। तो हुआ कैसे है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अब ये दीदी का नाम हो गया हाय दीदी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तो एक और रात के ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर है। और हमारे साथ कौन है? तो आज का प्लान कुछ ऐसा है करके, आज एक का है बर्थडे एंड हाँ वहीं पे अपन जा रहे हैं उनको पिकअप करने के लिए। एंड आज का जो इतिहास रचा जाएगा आज आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या है। एंड पिछले वाले ब्लॉग में बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, मतलब अभी तक का मेरा सबसे हाईएस्ट रैंक वीडियो होने वाला है वो। लोगों ने मतलब इतना प्यार दिखाया कि एक घंटे में उसको 80 व्यूज़ पहुँचा दिए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी मैं उसको बार बार रिफ्रेश कर करके देखते रहता हूँ कि वो व्यूज़ कितने जा रहे हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे जब क्वालिटी बढ़ाने के बाद जब कोई हमारे वीडियोस को मतलब आगे पहुंचाता है, तो बस यही बोलना था मुझे। और एंड हाँ अभी अपन जा रहे हैं तो जो जो होते आएगा मैं आपको कैप्चर करके दिखा दूंगा। बस रात का व्लॉग में मज़ा आ रहा है मेरे को भी, क्योंकि धूप नहीं होता है, है ना? एंड धूप नहीं होता तो ज़्यादा स्टोरीज कैप्चर हो जाते हैं। बस अभी केक लेने जाएंगे, अभी केक लेने आना, पिकअप करेंगे फिर केक लेने जाएंगे, फिर फटाका फोड़ेंगे। तो केक लेना है, फटाका फोड़ना है, अन पिकअप करना है, मतलब हाँ जो भी है। केक लेने के लिए आज बर्थडे है मयू का और केक काटेंगे। मुझे नाम नहीं पता, आप इंट्रोड्यूस करो मयू। हाँ इन्हीं का नाम पता है बस। हाँ आप लोग सब लोग अपना अपना नाम लोग बताओ और कहाँ जा रहे हैं बताओ। रानी हाय, रोशनी हाय, रोशनी ना। हाँ ठीक है, रोशनी बराबर बोला ना। ये ड्राइवर तो अभी अपन पहले केक लेने आ रहे हैं, नहीं सॉरी डीजल भरने जा रहे हैं, उसके बाद कहाँ केक लेने, केक लेने जाएंगे, फिर केक लेने आ रहे हैं, फिर केक को खा जाएंगे। सोच रहे हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो पहले आकर जूम मार दो इधर, अरे देख लो। तो ये हुआ कैसे है मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने कैमरा हो गया अब शुक्रिया, मैंने कैमरा यहाँ पर रखा था अपना, और जब पेट्रोल भरा रहे थे तो मैं कैमरा यहाँ पे रख कर गया था। फिर मैं कैमरा यहाँ पे नहीं देखा तो मुझे क्या लगा कि जब गाड़ी ड्राइव करके जब डीजल तक आए ना तो मुझे लगा कैमरा नीचे गिर गया, तो मैं स्पीड से आया और नीचे देखने की कोशिश किया, बट ये और मेरा किस हो गया और मुझे ये क्या बोलते हैं गिफ्ट मिल गया। ठीक है इतना ही बताना था। और बर्फ़ तो नहीं मिला, इससे काम चल जाएगा। बर्फ़ ये नहीं लेकर आया, मैं बर्फ मंगाया था। केक भी आ चुका है, केक कहाँ से लिया गया? केक है सत्यम दुर्ग से, सत्यम दुर्ग से। अरे एक्चुअली वो ना जोर से ना मतलब ऐसा लगा कि मिरर खुला हुआ होगा। हाँ। तो एकदम ना ऐसे अंदर घुसते नहीं अपन लोग झांकने के लिए। हाँ। तो वैसे ना एकदम जोर से सडनली आके ना अंदर घुसे तो उनको मालूम नहीं था कि वो लॉक है करके। बस सीधे से बात किस हो गया। And it's time to celebrate. चलो लगेगा कि बैठो गाड़ी के अंदर तुरंत सट से बैठना, ये नहीं कि तो अंदर नहीं घुस, तो अंदर घुस पैर अंदर कर मत करना, तुरंत गाड़ी चलो निकल। तो इसलिए तो बोल रहे हैं नहीं चलाते। अरे पागल चलो चलो चल ठीक है तो मैं लड़ी चलाता हूं। सुनो ना ठीक बनाए के वीडियो मतलब। एंड अभी अपन लड़ी लगा रहे हैं, ये कितनी बड़ी लड़ी है? 2000 की लड़ी है, इसको लगा के अपन को भागना है। अभी हम लोग आए हैं नखरा कैफे, अभी
वो पूछने गए कि नखरा कैफे अवेलेबल है कि नहीं है एंड खुला हुआ है। आ जाओ चलो ठीक है, खुशखबरी आ गई, खुला हुआ है। हमें जाना है सबसे टॉप फ्लोर में, ऊपर में, ठीक है। निखिल एजेंसी जो भी हो, आप लोगों को किसी को बोल लग रहा है क्या? नो। पक्का? पक्का। चलो फोर्थ फ्लोर गया पूरा। कल बंद हो गया था और कल तो अपन 10:30 बजे आए थे और आज तो बुक है तो आज तो और नहीं हो पाएगा, तो दूसरा कैसे देखते हैं कोई। अच्छा रिस्पॉन्स किए थे, कोई जाएंगे ठीक है। अल्लाह जिस तो बाजू में ना ये लाएंगे। कैफे की लाइन में कमी नहीं है पहली बात तो। और एक पान ठेला। वैसे मेरे को कैफे का नाम नहीं पता। कैफे का नाम मेरे को भी नहीं पता। किसी को कैफे का नाम पता है? सॉरी बंगाल नहीं, बंगाल स्पेशल, ठीक है बंगाल स्पेशल, मुझे याद आ गया, बंगाल स्पेशल पे बैठे हैं। चार अलग अलग नाम बता दिए। हम लोग अभी ऊपर गए थे ना, तो उसके बाद अपने को लगा कि अपने को ऊपर बैठना है, फिर इसको ये बोलता करके नहीं सब चारों वॉशरूम जा रहे एक साथ। वॉशरूम इतना छोटा कि मैं बैठ भी नहीं सकता वहाँ पे। ये दूसरी कैसे? और ये बिरयानी है ना? हाँ बिरयानी। और हो गया चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई नान कढ़ाई के नाम पे मजाक वहाँ पे करी। चले आइए चालू करते हैं। कैसा था बताओ? बहुत अच्छा था खाना। सच में? सच जो सच है सच बताओ। सच में कैसे था खाना? अरे हो गया ना, ये भी बता दो। बहुत बढ़िया था खाना, ही बढ़िया था, भर पेट खाए। मैं सच्चाई बात बताऊँ? सही सच्चाई सब बताएंगे यार। रेटिंग रेटिंग सच्चाई खाना पक्का ना? पक्का। बस बाहर निकल रहे हैं जा रहे कि हमको कैसा लगा वहाँ का बिरयानी। पहले पूछते हैं दीदी से। बहुत अच्छा लगा बिरयानी। अरे लाइट चालू करो, लाइट ही नहीं दिख रहा। अच्छा तो अरे नहीं सच्चा सच्चाई बोलना है। सच्चाई बोलना सही में जो आप बोले थे वही बोलना है। लाइट चालू करो, लाइट सच्चाई बोले तो यूट्यूब पे सब देख लेंगे। अरे नहीं कोई नहीं, वो चलता है, वैसे भी अपने को जानते नहीं है वो। किसी खाने की बुराई नहीं करूँगी, बहुत अच्छी खाना था, मतलब इतना टेस्टी था कि मतलब बता ही नहीं सकती, मतलब दोबारा जाने का मन कर रहा है वहाँ कि मैं जाऊँ कब और खाऊँ दोबारा। सुनिए वहाँ बैठे बैठे इतना गाली दिया गया ना। वो तो फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए इंसान को करना पड़ता है। तो अभी कौन सी फॉर्मेलिटी निभाना है आपको, तो अभी व्लॉग में रहना है। कोई बात नहीं, अब तारीफ कर देते हैं। अरे यार मैं सोचा सबसे सच्चाई निकलवाऊंगा क्योंकि मैं तो बिरयानी खाया नहीं। देखो नहीं वो तो बताएगा, उसको तो अभी निकलवाऊंगा जी। बंगाली बिरयानी था, फर्स्ट टाइम खाया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को सच में। और मशरूम बिरयानी भी था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहली बात ना मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बिरयानी खाई नहीं, और एक पीस में मैं क्या बता पाता है ना। चिकन करी भी बहुत अच्छा था, तंदूरी रोटी के साथ में खाए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या था बस नान रोटी और चिकन कढ़ाई बस, बहुत था सच्चा। अरे यार नहीं था यार, मजाक मत करो यार, नहीं था यार। बहुत दिखाने के लिए बोलना पड़ता। देखो जो बंगाल जो बंगाली अंकल थे वहाँ पे जो खड़े थे उन्होंने बिरयानी में पता नहीं क्या मिलाया, किसी को पसंद नहीं आया। बस चिकन कढ़ाई अच्छा था, चिकन कढ़ाई अच्छा लगा, चिकन कढ़ाई और नान टेस्टी था, और स्प्राइट भी टेस्टी था, लास्ट में आया स्प्राइट वो भी टेस्टी था। टेस्टी था। पहली बार स्प्राइट की भी तारीफ की जा रही है। वो भी तो इंक्लूड होगा ना सबके साथ। हाँ तो उसका मतलब नींबू भी इंक्लूड होगा। नींबू ग्रीन सैलेड तो पूरा सब। नींबू बाप रे बहुत महंगा था सैलेड। लेकर आए ना नींबू? हाँ। 100 रुपए। 6 रुपए अलग से जीएसटी। हाँ जीएसटी भी ऐड किया था। पहले से ऐड करना चाहिए लेकिन वो बाद में। हाँ यार ये गलत था बात। हाँ अलग से 6 रुपए, ये नहीं है। जब दीदी हाय बस ये हाय करते रहती है, 4 बार हो गया बस हाय, जब भी कुछ बोलने बोलते ना हाय। हाँ तो अब ये दीदी का नाम हो गया हाय दीदी। हाँ चलो आ जाओ, आप तो आप मशरूम खाए ना। देखो सच है सच बताना। सच बताना नहीं उतना खास नहीं लगा, फिर भी ठीक ही लगा। चलो
बाय 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 दीदी, आप दोनों से ईमेल के अच्छा लगा मेरे को। और पीछे वाली से थैंक यू सो मच, आपसे मिलके अच्छा नहीं लगा बोल रहे हैं। अबे देख केक कैसे रखा है, मत ले ही लगने दो मुझे, उसको अच्छा नहीं लगता कभी भी। चलो ठीक है बाय बाय। और अभी अपन निकल चुके हैं, सब कुछ छोड़ के निकल चुके हैं, एंजॉय किए, मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि सबसे अच्छा पार्ट लगता है हमको खाना। लेकिन आज वहाँ मिली हम लोग को बिरयानी की तरफ से, बस बिरयानी और मशरूम मिला। बाकी हम लोग तो पहले अपना आजूबाजू मिला था नान रोटी और चिकन कढ़ाई, सब कुछ अच्छा था, बस मशरूम में थोड़ा नमक ही नहीं था उसमें, पता नहीं क्या था, ये भी अच्छा नहीं लगा है। मतलब अपन ना सैलेड मंगाए, सैलेड मंगाए तो वो उसने बोला करके कि अपने पहले से नहीं देते, मैं बोला करके चलो अलग से दे दो, तब उन्होंने जाकर दिया और उसका भी कॉस्ट लगा। मतलब बाकी चीजों में ज्यादा था, सैलेड का तो कॉस्ट ही नहीं लगता। ढाबा में ऐसा कुछ नहीं, नहीं ढाबा में ऐसा कुछ नहीं है, हम अपना बर्थडे ढाबे में ही बनाएंगे। इनका इनका कब आ रहा है? मेरा सितंबर में, 2 महीने के बाद, और रेडी रहना सब लोग, 2 महीने बाद ही बस बस है। अच्छा अभी जुलाई अगस्त सितंबर फिर अक्टूबर एक <दर्वर। laughs> चले फिर ठीक है, फिर जा रहे हैं, बाय 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 बाय। रात भी हो गया, लेट हो रहे हैं तो बहुत देर तक रुकता भी मैं। चलो तो टाइम क्या हो गया वैसे? 11:30। आपको जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर दिखाना है, वो चीज़ क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने हेलमेट लिया है तो मैं मोटो व्लॉगिंग चालू करूँगा, एंड मोटो व्लॉगिंग चालू करूँगा तो मैं धीरे धीरे सामान कलेक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज ऐसा होता था कि मुझे नहीं पता कि क्या क्या गियर्स लगते हैं, तो मैं YouTube पे देख देख के धीरे धीरे परचेज़ कर रहा था। तो पहला जो गियर है वो आ चुका है, पहला गियर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या। जो पहला जो चीज़ है वो Amazon से मैंने मंगाया है, तो मुझे अराउंड रेट क्या पड़ा मुझे एक्जैक्टली रेट याद नहीं है, बट हाँ मुझे ये चीज़ याद है। ये फ़ोन माउंट है मैंने जो मंगाया है, एंड यहाँ पे कुछ कप वगैरह है, ये स्क्रू वगैरह यहाँ पर है, और ये थोड़ा पर्चा है, मैंने एक्शन प्रो का मंगाया था। धीरे 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 सेटअप मैं बड़ा कर रहा हूँ, अभी कुछ 10 दिन के अंदर, मतलब 10 नहीं हाँ लगभग सैटरडे तक, मतलब हाँ लगभग 7 दिन और मान के चलते, आज तो मंडे हो गया, हाँ ठीक है मंडे हो गया आज, तो मतलब 7 दिन तक के अंदर अंदर में एक मोटो व्लॉग सेटअप आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले भी आ सकता है मुझे कुछ कन्फर्म नहीं है, बट आ जाएगा मुझे इतना कन्फर्म है। एंड स्टोरीज फिर ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, अभी तो नहीं मिलते ज़्यादा स्टोरीज, पर फिर मिलेंगे ज़रूर। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बल्कि जो भी पिछला वाला व्लॉग डाला था वो दिल से सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसकी जो क्या मैं बोलूँ यार, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत ऊपर गया वो व्लॉग। मैं कभी उम्मीद नहीं किया था कि मुझे 1 घंटे में 80 व्यूज़ मिलेंगे, मैंने कभी नहीं, 1 घंटे में मैं मिनिमम व्यूज़ बता रहा हूँ मेरे, 1 घंटे में कितने मिलते, वो 1 घंटे में लगभग 8 या 9 व्यूज़ मिले आज तक, 80 व्यूज़ मुझे आज तक कभी नहीं मिले। मैं ऐसा देखा, रिफ्रेश किया, मैं माँ कसम, और इससे कम से कम अच्छे खासे सब्सक्राइबर गए हैं। ऐसे आप हमें पहुँचाते रहिए, आपकी दुआ हमको लगते रहेंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।